जब भगवान श्री राम का समुद्र को मनाने के लिए भूखा प्यासा प्रार्थना करते हुए 3 दिन बीत जाते हैं, तो राम के तकलीफ की सूचना माँ के हृदय तक पहुँचने लगती है। तब माता कौशल्या भरत के पास आती हैं और कहती हैं, माँ आप भरत, भरत, मेरा राम किसी संकट में है। भरत, भरत, मेरा राम किसी संकट में है। वह किसी विपत्ति के गहरे समुद्र में डूबता चला जा रहा है। ये आप क्या कह रही हैं माता? ये असंभव है। नहीं, मैंने आज रात को एक स्वप्न में राम को अथाह सागर के मध्य में अकेले बैठा देखा। साथ में सीता नहीं दिखाई। वह अकेला है, भूखा है, प्यासा है, और धीरे धीरे समुद्र की लहरें उसे डुबोती चली जा रही। भरत, भरत, अपने भाई का पता लगा लो, वह अवश्य किसी संकट में। उसे सहायता की आवश्यकता होगी। धीरज रखिए माता, धीरज, भैया पर कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती। अब आने में थोड़े ही दिन रह गए हैं ना, इसलिए भावना बस आपका मन भ्रमित हो गया है। अन्यथा उनकी शक्ति के आगे ये संसार तो क्या, तीनों लोकों में कोई ठहर ही नहीं सकता। देखिए इनके चरण पादुका पर रखे हुए फूलों पर कोई मुरझायापन नहीं है, सब जैसे प्रसन्नता से आह्लादित हैं। शास्त्रों के अनुसार यह शुभ शगुन का सूचक है। शास्त्र लिखे शुभ शगुन का ज्ञान झूठ हो सकता है, परंतु माँ के हृदय की सूचना कभी झूठ नहीं हो सकती। मैंने स्पष्ट देखा, मेरा राम किसी समुद्र के बीच में फंस गया। भरत, भरत बेटे, समुद्र यहाँ से कितनी दूर है, मुझे वहां ले चल, मुझे वहां ले चल, मुझे वहां ले चल। समुद्र मैंने देखा नहीं, सुना है बहुत दूर है। बहुत दूर है, बहुत दूर, बहुत दूर। पुत्र किसी संकट में है और माँ अयोध्या के राजमहल की सुख भोग। पुत्र, यदि मेरे पंख होते तो मैं उड़कर तेरे पास चली जाती, परंतु क्या करूं, तू जहां भी है, इस अवस्था में है, मेरा आशीर्वाद भगवान कुंद्री काज तेरी सहायता है, तेरी विजय हो, तेरी विजय हो। कल, आज और आने वाले कल में माँ जैसी ना कोई थी, ना कोई है और ना कोई होगी, ये आप अपने अपने जीवन में झांक कर महसूस कर लेंगे। इसलिए हमें अपनी माता का ध्यान हर हाल में रखनी चाहिए, उन्हें भी हमारी जरूरत है।